नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। सुनील त्रिपाठी प्रयागराज डीवीएल में सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने दशरथ मरण की कथा कही थी, उसके आगे इस वीडियो में कहना है। आप सब लोगों से निवेदन है कि पिछले वीडियो में मैंने जानबूझकर तो नहीं, अनजाने में हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, उसके लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा करिए। और साथ साथ ये निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिए। चलिए पहले प्रभु का स्तुति करता हूं, उसके बाद फिर कथा की ओर चलते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे वाणी श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दति। राधे राधे। चलिए मित्रों, कथा शुरू करते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परि हरि रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम। महाराज दशरथ भगवान राम के वियोग में बार बार राम राम कहकर, कई बार राम राम का उच्चारण करके अपने शरीर का त्याग कर देते हैं और वो सुरलोक को सिधार गए, देवलोक को सिधार गए। इसके आगे की कथा बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जियन मरण फल दशरथ पावा अंडयने के अमल जसु छावा, जियत राम विधु बदन निहारा राम विरह करि मरणु संवारा। जियन मरण फल दशरथ पावा, जीने और मरने का फल तो महाराज दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल अंड अनेक अमल जस छावा, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। अजियत राम विधु बदन निहारा, जीते समय जब तक महाराज दशरथ जीते रहे तब तक भगवान राम के चंद्रमा के समान मुखमंडल को देखा, अर्थात जब मरने का समय आया तो राम राम रटते हुए, राम राम पुकारते हुए, राम के विरह को निमित्त बनाकर अपने मरण को सुधार लिया, अपने परलोक को सुधार लिया। अशोक विकल सब रो वही रानी और रूप सीलु बलु तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा अपरही भूमि तल बारही बारा।
महाराज दशरथ के। मरणोपरांत सारी रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही है, रो रही है, दुखी है। वे राजा के रूप, शील, गुण और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं। कर ही विलाप अनेक प्रकारा, अपर ही भूमि तलबार ही बारा, बार बार धरती पर गिर पड़ रही हैं, गिर गिर पड़ती हैं। तो बिलप ही बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदनु करही पुरवासी। अथ यौ आजु भान कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। बिलपही बिकल दास अरुदासी, राजभवन के जितने भी दास और दासीगण हैं सब व्याकुल होकर रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और घर घर रुदन कर रहे पुरवासी, अयोध्या वासी, नगरवासी घर घर रो रहे हैं, आपस में कहते हैं कि आज धर्म की सीमा। अथयों आज भान कुल भानु, और धर्म अवधि गुण रूप निधानु। आपस में कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए हैं। तो गारी शकल कै कै यही देही, नयन विहीन कीन जग जेही। यही विधि बिल पति रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सभी लोग, नगर के सभी लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जितने संसार भर को नेत्र के बिना कर दिया, आंखों के बिना कर दिया, इस प्रकार विलाप करते किसी तरीके सारे लोगों की रात बीत गई। एह विधि बिलपत रैन बिहानी, इस तरह रोते गाते गाली वाली देते दिलाते उनकी रात किसी तरीके बीत गई। आए सकल महामुनि ज्ञानी, प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि और साथ में वशिष्ठ जी भी आए। तब वशिष्ठ मुनि समय समो, कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यो सब ही करो, निज विज्ञान प्रकाश। तब गुरु वशिष्ठ जी ने समय के अनुकूल, समय के अनुरूप अनेकों प्रकार के उदाहरण दे दे करके लोगों को शांत किया, धैर्य बंधवाया और अपने ज्ञान के प्रकाश से सबको शोक से दूर किया। तो तेल नाव भरी नृप तनु राखा, अदूत बोलाई बहुरी असी भाखा। धावहु मोर धावहु बेगी भरति पही जाहू, नृप सुधि कतहु कहु जनिकाहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा कि तुम अतिशीघ्र भरत के पास जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार किसी से न कहना। धावहु बेग भरत पहि जाहूं, और नृप सुधि कतहु कहु जनिकाहू। तुम शीघ्र भरत जी के पास जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार किसी से नहीं कहना। इतना जब दूतों ने सुना तो वो चल दिए युवराज भरत को बुलाने के लिए। इतने कहो भरत सन जाई, अगुरु बोलाई पठयऊ दो भाई। अश्विनी मुनि आय सुधावनु धाये, अचले वेगवरी बाजे ल जाए। जाकर भरत से केवल इतना कहना कि दोनों भाइयों को
गुरु जी ने बुलाया है। इतने कहूं भरत सन जाई और गुरु बुलाई पठवे दो भाई। ऐ दूत, भरत जी के पास जाकर केवल इतना कहना है कि तुमको गुरु जी तुम दोनों भाइयों को बुलाए हैं। और वो गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई उत्तम घोड़ों को रथ में सजा कर और बड़े वेग से हमारे पास आएंगे, तेजी से हमारे पास आएंगे। तो अनरथो अवधु आरंभ जब ते अकुश गुण होई भरत कहूं तब ते देखा ही रात भयानक सपना अजागी करही कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनरथ अवध आरंभ हो जब से अयोध्या में अनरथ आरंभ हुआ, अनर्थ होने लगा था, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। अनरथ अवध आरंभ हो जब ते अकुशगुन हो ही भरत को कहते तब ते और देख ही रात भयानक सपना और जाग कर ही कटकोटि कल्पना। भरत जी रात में सपना भी देखते थे, बुरे बुरे सपना देखते थे और जागने पर लाखों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं आती थी दिमाग में। तभी प्रजवाई जे दे दिन दाना अशिव अभिषेक करही विधि नाना मांगही हृदय महेश मनाई अकुशल मातु पितु परिजन भाई। विप्र जमाई देह दिन दाना और शिव अभिषेक कर ही विधनाना। भरत जी जब सपना देख करके बुरे बुरे सपना देख कर उठते थे तो प्रातःकाल वो ब्राह्मणों को बुला करके बड़े प्यार से प्रेम से प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से भगवान शिव की रुद्राभिषेक किया करते थे और प्रभु से ये हृदय से मनाते थे कि हे प्रभु, मेरे माता पिता परिवार भाई कुटुम्ब नगरवासी सब कुशल से तो हैं, उनको कुशल रखना। मित्रों प्रियजनों, आज की कथा का विसर्जन मैं यहीं से करता हूं। इसके आगे की कथा अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि अगर अभी मैं कथा बढ़ाता हूं तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कथा को न बढ़ा करके वीडियो को बड़ा न करके मैं कथा का विसर्जन करता हूं। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।